हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ, अकारांत, पुल्लिंग, शब्दानाम, प्रयोग। अभी तक हमने इस लेसन के शब्दार्थ पढ़े थे और इसमें से कुछ हमने पढ़ा था। ईशा कह, यह कौन है? ईशा कृष्ण, यह कृष्ण। अहम कृष्ण नमामि, मैं कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। ऐशह कह, ऐशह मयूर। यह कौन है? यह मोर है। मयूर नृत्यति, मोर नाचता है। ऐशह कह, यह कौन है? ऐशह अश्व, यह घोड़ा है। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। ऐशह कह, ऐशह वृषभ। यह कौन है? यह बेल है। वृषभ क्षेत्रम कर्षति, बेल खेतों को जोतता है या सींचता है। ऐशा कह, यह कौन है? ऐशा छात्रा, यह छात्रा है या विद्यार्थी है। छात्रा पुस्तकम पठती, छात्रा जो है वो पुस्तक को पढ़ती है। ऐशा कह, यह कौन है? ऐशा आचार्य, यह गुरुजी है। अहम आचार्यम नमामि, मैं गुरुजी को नमस्कार करता हूँ। ऐशह कह, यह कौन है? ऐशह सर्प, यह सांप है। ऐशह दशति, सांप जो है वो डसता है, क्या करता है? डसता है। ऐशह कह, यह कौन है? ऐशह कश्यप, यह कछुआ है। कश्यप जले वसति, कश्यप जले वसति मतलब कछुआ जो है वो जल में रहता है या निवास करता है। ऐशह कह, यह क्या या कौन है? ऐशह वृक्ष, यह पेड़ है। वृक्ष फलम ददाति, पेड़ फल देता है। ऐशह कह, यह कौन है? ऐशह शुक, यह तोता है। शुक मधुम मधुरम वदति, कछु ये तोता जो है वो मधुर बोलता है, क्या करता है? बोलता है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं इसके अभ्यास कार्य, मतलब इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क, मयूर किम करोति? मयूर नृत्यम करोति। छात्रा किम करोति? छात्रा पुस्तकम पठति। कश्यप कुत्र वसति? कश्यप जलम वसति। वृक्षम वृक्षः किम ददाति? वृक्षः फलम ददाति। वृषभः किम कर्षति? वृषभः क्षेत्रम कर्षति। आगे है दूसरा क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों के संस्कृत शब्द लिखिए। फल, फल का फलम। बेल, बेल का वृषभ, क्या हो जाएगा? वृषभ। मोर का मयूर। विद्यार्थी का छात्रा। तोता का शुक। घोड़ा का अश्व। सांप का सर्प। कछुआ का कश्यप, क्या हो जाएगा? कश्यप। अब आगे हैं, चित्रों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐशह वानर अस्ति, चित्र को आप देख सकते हो, चित्र में किसका चित्र दिया हुआ है? वानर का। किसका है? वानर का। ऐशह मयूर अस्ति, यहाँ मोर का चित्र है। ऐशह अश्व अस्ति, ऐशह गज अस्ति, ऐशह शुक अस्ति, ऐशह कपोत अस्ति, ऐशह सर्प अस्ति, ऐशह खर अस्ति। इसमें आपको जो क्वेश्चन आंसर करने हैं नोटबुक में, वो फर्स्ट और सेकेंड है, जिसको आपको नोटबुक में डन करना है।